बड़े पर्दे पे आने के बाद आखिर कहाँ गायब हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं जो सुपरहिट फिल्में देने के बाद अचानक कहीं गायब सी हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में जो फेमस होने के बाद अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गई हैं। 90s की काफी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं ममता कुलकर्णी। उन्होंने कुछ ही समय काम किया और बड़े पर्दे से कुछ इस तरह गायब हुई कि उनके बारे में केवल बातें ही सुनने को मिली। फिल्म मोहब्बत से अपनी एक बड़ी पहचान बनाने वाली किम शर्मा कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। कुछ समय के बाद उन्होंने पर्दे पर आना ही बंद कर दिया। मंदाकिनी उन एक्ट्रेस में से एक थी जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अपनी छाप छोड़ने वाली मंदाकिनी एकदम गायब हो गई हैं। दो तीन हिट फिल्में देने के बाद मंदाकिनी ने कुछ कमाल नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर आना ही बंद कर दिया। विवाह जैसी सुपरहिट फिल्मों में आने के बाद अमृता राव ने कई और भी काम किए हैं, लेकिन अचानक उन्होंने इंडस्ट्री से क्यों दूरी बना ली है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। एक्ट्रेस असिन ने गजनी, रेडी जैसी फिल्मों में काम करके लोगों के दिल में एक अलग ही पहचान बनाई है, लेकिन उसके बाद वो कुछ खास फिल्मों में नजर नहीं आई। धीरे धीरे असिन ने फिर बड़े पर्दे पर आना ही छोड़ दिया। खैर, ये हसीनाएं बड़े पर्दे से अचानक क्यों गायब हो गईं, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।